नगर निगम जोन एक कार्यालय राजस्व विभाग की टीम द्वारा नेहरू नगर में दो अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणकर्ताओं को 10 फरवरी तक कब्जा हटा लेने की चेतावनी निगम प्रशासन द्वारा दी गई थी और नहीं हटाए जाने पर गुरुवार को कार्रवाई की गई। एक दूसरे के खिलाफ दो पड़ोसियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत नगर निगम कार्यालय जोन एक में की गई थी, जिस पर नगर निगम प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को 10 फरवरी तक कब्जा हटा लिए जाने निर्देशित किया गया था। निर्धारित तिथि पर जोन एक के राजस्व विभाग की टीम JCB के साथ मौके पर पहुंची और एक पक्ष के अवैध निर्माण को JCB से गिरा दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के अवैध निर्माण के अंतर्गत आने वाली सीढ़ी को JCB से नहीं हटाया गया। दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं वेल्डर को बुलाने और सीढ़ी को कटवाने की मांग जोन के अधिकारियों के समक्ष रखी गई, जिसके लिए अधिकारी शहर से तैयार हो गए और JCB को किनारे खड़ा करवाकर वेल्डर के आने का इंतजार करते रहे। इस दौरान बर्बाद हो रहे वक्त को अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे पहले पक्ष में नाराजगी देखने को मिली कि नगर निगम की टीम ने आते ही JCB से उनका कब्जा तो तोड़ दिया, लेकिन दूसरे पक्ष का कब्जा तोड़ने इतनी रियायत क्यों दी गई। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने पुलिस बल भी तैनात था। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के अधिकारी सिद्धार्थ साहू ने दी। दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाया कि कब्जा किया हुआ है राष्ट्रीय जमीन पे, और राम साहू ने यहाँ पे एक शेड बनाया हुआ था, उसको हटाया गया। वो स्वयं से वैसे शेड के शीट को हटा दिए थे, लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं हटाया था, उसको हमने हटा दिया है। और जो लिपी घोष उनका सीढ़ी बाहर निकाला हुआ था अपने भूखंड से, उसको हटा दिया गया है। इतनी कार्रवाई आज की गई है, जिसमें पुलिस बल और नगर अधिकारी मौजूद हैं। सर, चूँकि दूसरे पक्ष का कहना है कि नगर निगम की टीम द्वारा आते ही हमारे उसको गिरा दिया गया सेट को, इन्हें काफ़ी टाइम दिया गया अपना। हाँ, सबको जो धारा 307 के तहत दो बार पहले नोटिस दी गई थी, उसके बाद अंतिम सूचना के तौर पे 10 तारीख को कार्यवाही किया जाएगा अगर स्वयं से नहीं हटाते। इसका उल्लेख करते हुए 10 तारीख का निर्धारण किया था 11 बजे समय का, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा स्वयं से हटाया नहीं गया, इस कारण से हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई से प्रभावित दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेहरू नगर में निवास करता हूँ मैं। अपने घर के सामने गैरेज बना के रखा था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था घर का, इसलिए मैं गैरेज बना के रखा था। मेरे पड़ोसी द्वारा बार बार आवेदन लगाया जा रहा था नगर निगम में, कलेक्ट्रेट में, कि अवैध निर्माण है करके, और नेहरू नगर में ऐसा अवैध निर्माण कभी नहीं होता, ना किसी का प्लाट में अवैध निर्माण होता है, ना किसी में तरह से कोई अवैध नहीं रहता, लेकिन मेरे पड़ोसी द्वारा बार बार आवेदन दे के मेरे को परेशान किया गया, मेरे बच्ची लोग को परेशान किया गया। मैं इसका वीडियो भी बना के रखा है, मेरे बालक 8 साल का है वो, और मेरा तो तोड़ने में बहुत नगर निगम ने बहुत जल्दी दिखाई मेरे सेट को, लेकिन मेरे पड़ोसी अमिताभ घोष का सीढ़ी निकालने में बहुत देर लगाया है और देर किए। मैं यही चाहता हूँ, अब मैं भी शांति रहूँ, वो भी शांति से रहें। मेरे को कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन बार बार आवेदन दे के परेशान करना, यहाँ जाना वहाँ जाना ऐसे करके, और बाहर से लड़कियों को ला के मेरे घर पे भी गाली गलौज की है, वीडियो बना के रखा हूँ मैं। तो सर, मैं यही चाहता हूँ कि अब यहीं समाप्त हो जाए, पड़ोसी हैं और बाकी तो पूरा घिरा हुआ एरिया है, ये सभी का अवैध है, ऐसा नहीं है किसी का भी निकालोगे, सबका अवैध है। और मेरे घर के पीछे शेड में अभी भी मेरा बालक शरद दुबे जी को बोले हैं कि एक शेड में कालम पे एक शेड खड़ा करके रखा हुआ है, वो उसको अभी हटाया नहीं गया। वो देख सकते हैं मेरे यहाँ सीढ़ी नहीं बना है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, उनके यहाँ सीढ़ी है, उनके सीढ़ी में जाके चढ़ के देख सकते हैं। आज ये कि सर, मेरे को इन्होंने कागज दिया था कि उसके नाम से आप कंप्लेन की हो, इसे गुमटी बनाया था सर, जो मेरे आधे घर को रोक रहा था, ये देखिए उसने इसको दिखाने से कुछ नहीं है। तो मैं आधे घर में पूरा सर मेरा ढक रहा था, वो स्लाइंटिंग जो पानी का था वो मेरे घर पर डाला था, पूरा पानी आ रहा था, मेरे घर का धूप पूरा ख़त्म हो रहा था सर। उसके बाद मैंने कंप्लेन दिया, जोन आयुक्त को दिया, कलेक्टर को दिया, उसके बाद देशमुख हैं जो भवन अनुज्ञा अधिकारी, उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि इसका भाई प्यून है और ये ठेकेदार के अंडर में ठेकेदार है, तो उसके खातिर इन्होंने हम लोग को क्या किया कि मेरे को बोले कि आपका भी सीढ़ी टूटेगा। सर, मैं यही पूछ रही, कोई मर्डर करता है तो उसको इतनी बड़ा सज़ा मिलता है, और एक थप्पड़ मारता है उसको सेम सज़ा होता है। मुझे ये बोला गया
कि उसके नाम से आपने कंप्लेन किया तो आपका भी सीढ़ी टूटेगा, जबकि मेरा सीढ़ी थोड़ा सा ही था और मेरे स्ट्रीट में सर पूरे आप आके निरीक्षण करके देखिए आप लोग कि पूरे ए टू जेड पूरों ने सबने घर बनाया है इस तरीके से। मौजूद है नेहरू नगर में, आप देख सकते हैं हमारे अभी कुछ क्षण पूर्व नगर निगम जोन एक कार्यालय की टीम द्वारा यहाँ दो अवैध कब्जेधारी है शिकायत करता है, जो लगातार एक दूसरे को लेकर के शिकायत करते आए कि इनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया, अतिरिक्त निर्माण किया गया है निर्धारित जगह से। तो अभी नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ से यहाँ पर कार्रवाई करके गई है और ये यहाँ पर जो कुछ देर पूर्व तक जो सीढ़ी लगाई गई थी उसे जेसीबी के माध्यम से हटाया गया और ये जो अवैध कब्जेदारी है सामने निवास रहा था इनके द्वारा अपने घर के सामने ये शेड का निर्माण किया गया था जिसे भी निगम के अधिकारियों द्वारा हटाया गया। लेकिन चूंकि जो राम साहू करके हैं उनका कहना है कि मेरे अवैध कब्जे को हटाने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बेहद दिलचस्पी दिखाई गई, आते ही बिना किसी तरह की चर्चा के अवैध जेसीबी से अवैध कब्जे को हटा दिया, लेकिन इनके पड़ोस में जो कब्जा है उसे हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी लगातार सोच में डूबे रहे। हालांकि नगर निगम का अमला पूरे संसाधनों के साथ लैस था और ये अवैध कब्जे को हटाने तत्काल कार्रवाई की जा सकती थी, बावजूद जो दूसरा पक्ष है लिपि घोष उनके द्वारा स्वयं के आदमी बुलाए गए और जिनके द्वारा फिर यहाँ पे कटिंग मशीन से उनकी सीढ़ी को काटा गया। तो इस तरह से दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे पहुँचने के पूर्व हमारे द्वारा देखा गया कि यहाँ का जो कब्जा है ये इनके द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन वो कब्जा यथावत था। बहरहाल इस एरिया में जहाँ पे अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लगातार अतिरिक्त निर्माण आप देख सकते हैं इस स्ट्रीट में लगातार सभी के द्वारा अपने मकानों के सामने अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसकी जानकारी भी नगर निगम के अधिकारियों को है, लेकिन इसे देखकर भी अनदेखा किया जाता है, क्योंकि नगर निगम का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे पास शिकायत आएगी उसके जांच के उपरांत ही हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस दोनों शिकायत और जांच के दरमियान काफ़ी तरह के लोग अपने अपने बलबूते पर अपने सोर्स के माध्यम से जांच के कार्य को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस कार्रवाई पे नगर निगम के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि दोनों को 10 तारीख तक की मियाद दी गई थी और आज इसको अवैध कब्जे को हटाने तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। अब यह कितना स्पष्ट है इस कार्रवाई से, हालांकि दोनों पक्ष संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष द्वारा इस कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।